तो दोस्तों, आज हमारे ज़ेब्रा फिंच के बच्चों को दुनिया में आए हुए 8 दिन हो गए हैं। तो कल की वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि भाई आपने ज़ेब्रा फिंचेस के बच्चों की अपडेट काफ़ी दिनों से नहीं दी, तो प्लीज़ अगली वीडियो में ज़ेब्रा फिंचेस की अपडेट दीजिएगा। तो मैंने फिर सोचा चलो जी आज ब्लॉग की शुरुआत हम ज़ेब्रा फिंचेस के बच्चों से करते हैं। तो फीडिंग का टाइम हो गया था दोस्तों, तो मैंने सोचा चलो जी फीडिंग भी करा लेते हैं और जी हम देख भी लेते हैं कि किस तरह से ज़ेब्रा फिंच के बच्चों की ग्रोथ है। और माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट बच्चे हैं दोस्तों, 2 बच गए हैं, पहले तो तकरीबन 4 थे और माशाल्लाह दोस्तों ये जी 2 बच्चे। और मैं अब उठाता हूँ इनको, मैं ये एक मिनट, ये जी दोस्तों माशाल्लाह ये हैं, ये जी दोस्तों ओहो, ये देखें दोस्तों फीड के लिए मुंह खोले, इनका टाइम हो गया और मैं इनको फीड कराता हूँ। इस बच्चे के पर भी आने लग गए हैं और ये भी है, इसके भी आने लगे हैं, दोनों के दोस्तों आने लग गए हैं। ये आवाज़ें आप देखें दोस्तों, ये देखें काफ़ी बड़े हो गए हैं, पहले आपने देखे होंगे दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे थे और अब देखें आप इनकी ग्रोथ। एक मिनट मैं इनको उठा लेता हूँ दोस्तों, ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, इस तरह से मैं उठता हूँ, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये देखें क्योंकि माँ दोस्तों इनको नहीं खिलाती फीड, बिल्कुल भी नहीं कराती। मुझे थोड़ा सा था पहले कि फीड इनको कराएगी लेकिन बिल्कुल भी नहीं करा रही माँ इनको फीड, तो ये इनको मैं ही दोस्तों इनको हैंड फीड करा रहा हूँ और बस यही दुआ करें कि ये जल्दी से बड़े हो जाएं। तो दोस्तों इसका तो पेट फुल हो गया, आप देख सकते हैं ये इसकी थैली खुराक वाली माशाल्लाह से काफ़ी भर गई है। तो इसको अब हम रखते हैं और हम दूसरा बेबी उठाते हैं, ये देखें जी माशाल्लाह, और इसने भी अपना मुंह खोल लिया है। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों फिंचेस के बच्चों को दोपहर की खुराक खिला दी है और अब हम इनको दोबारा नेस्ट में रखते हैं। और ये आप दोस्तों करीब से देख लेंगे, ये जी हमारे फिंचेस के बच्चे, और दुआ कीजिएगा कि ये बस यार पल जाएं, नहीं तो मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है, डर लगता है क्योंकि दोस्तों इनकी माँ इनको बिल्कुल खुराक नहीं दे रही, मैं इनको हैंड फीड ही करा रहा हूँ। तो जी मैं ये रख रहा हूँ वापस, ये जी इनके घोंसले में, तो दोस्तों ये काम तो हमारा हो गया है और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले, बल्कि काफ़ी दिन हो गए हैं, हमने ये टोकरियाँ लगाई थी डायमंड डक्स के लिए कि ये इनके अंदर अपना घोंसला बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि कल मैंने, आपको पता है कि नेस्टिंग बास्केट रखी थी अपने परिंदों के लिए, तो डायमंड डव का दोस्तों उसको देख के दिल मचल सा गया है, ललचा सा गया है, क्या किया कि उन्होंने ये वाली बास्केट सारी छोड़ के, पहले इधर ही उनका नेस्ट था, ये फौरन ही छोड़ दी जो ही इन्होंने ये बास्केट देखी। तो फिर क्या किया डायमंड डव ने दोस्तों, उसने अपना घर चेंज कर लिया, घर मैं आपको दिखाता हूँ उसने कहाँ बनाया हुआ। मैंने आपको बोला था दोस्तों मेरा बड़ा दिल करता है जब मैंने ये पौधे लगाए थे दोस्तों, मैंने आपको ये बोला था, शायद आपको याद हो, कि मेरा बड़ा दिल करता है कि कोई परिंदा मेरा इन गमलों में इन पत्तों के अंदर घोंसला बनाए, मेरा बड़ा दिल करता था दोस्तों। और वाकई दोस्तों ऐसा हो गया, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और डायमंड डव ने दोस्तों क्या किया कि एक हमारे गमले में अपना नेस्ट बना लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर है नेस्ट, ये जी दोस्तों ये देखें, अभी दोस्तों बैठी नहीं हुई डायमंड डव। तो माशाल्लाह से दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने इसको देखा और मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पर जल्दी से जल्दी अंडे दे देगी, क्योंकि दोस्तों इसने ये एक ही दिन में अपना घोंसला पूरा किया है
और मुझे लगता है कि यह फटाफट अंडे देगी। और आप दुआ कीजिएगा दोस्तों कि बस हमारी डायमंड डव्स भी अंडे देना शुरू कर दें। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं दोस्तों, हमें दिखाना ये है कि हमारी ये गोल्डन फिंचेस का नेस्ट बॉक्स, ये यहाँ से इन्होंने मटेरियल उठाया है, तो एक ही दिन में इन्होंने सारी मेहनत की है। और देखें दोस्तों माशाल्लाह से ये बड़ी फास्ट हैं दोस्तों, ये देखें इनको बड़ा पसंद आया है और इन्होंने ये सारा मटेरियल अपने बॉक्स में भी रख लिया है। बस दुआ करें कि हमारी डायमंड डव, हमारी गोल्डन फिंचेस जल्दी से अंडे दें हमारे मार्केट में मज़ीद। ये देखें दोस्तों डायमंड डव आ गई है, एक मिनट ये बैठेगी इसके अंदर, देखिएगा दोस्तों इसी का घोंसला है और ये वापस जा रही है अपने घोंसले के पास और यहाँ पर ये बैठेगी। तो ये देखें दोस्तों, एक मिनट एक मिनट, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह ये बैठ गई है दोस्तों अपने नेस्ट के ऊपर। मुझसे अब दोस्तों इंतज़ार नहीं हो रहा कि बस ये जल्दी से अंडे दे और हमारे मास्टर केज में डायमंड डव्स की ब्रीड बढ़े। तो दोस्तों मुझे एक डर है, डर क्या है दोस्तों कि ये जो चूंटियाँ हैं ना दोस्तों हमारे मास्टर केज में, तो पिछले दिनों भी मैंने यहाँ पर कोपिक्स पाउडर डाला था चूंटियों को मारने के लिए, यहाँ पर उनकी उनके घर थे दोस्तों चूंटियों के। अभी भी दोस्तों थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी चूंटियाँ यहाँ पर घूम रही हैं, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि कल को ये अंडे दे और बच्चे निकलें, ये ना हो कि फ़ौरन से चूंटियों का हमला हो जाए। तो फिर मैं यहाँ पर कोपिक्स पाउडर डालूंगा और इसके इर्द गिर्द भी डाल दूंगा ताकि हमारी डायमंड डव्स और उसके बच्चे सेव रहें और हमारी डायमंड डव्स भी कंफर्टेबल फील कर सके अपने नेस्ट के ऊपर। ठीक हो गया दोस्तों, और माशाल्लाह से काफ़ी ये कंफर्टेबल फील ही कर रही है। और ये देखें दोस्तों ये डर भी नहीं रही, लेकिन इसको मैं नहीं डिस्टर्ब करता दोस्तों क्योंकि नया नया घोंसला है, ये ना हो कि फिर ये शुरुआत में डर जाए और ये छोड़ के चली जाए, तो इसको हम नहीं चेक करते। लेकिन यार मुझे लगता है कि ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अंडे दे ही देगी, क्योंकि जिस तरह से इसका चाल चलन है ना मुझे लग रहा है, क्योंकि दोस्तों पहले क्या करती थी ये, जो ही इसके करीब आते थे ये भाग जाती थी, मतलब उड़ जाती थी। तो अब देखें दोस्तों ये बिल्कुल नहीं डर रही, मतलब अंडे 1-2 दिन में आ जाएंगे मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों। बाकी दुआ करें कि जल्दी से अंडे दे दे दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, एक तो गोल्डन फिंचेस की और दूसरा हमारी ये डायमंड डव की, बहुत ज़्यादा यार मैं खुश हो रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई दोस्तों लाइक कर दीजिएगा डायमंड डव की खातिर। ठीक हो गया दोस्तों, लाइक लाजमी कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, जब आप लाइक करते हैं ना मेरी वीडियो को, एक मुझे एक एनर्जी सी आ जाती है कि बस यार अब इससे भी मैंने मज़ीद अच्छी वीडियो बनानी है। तो दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।